वेलकम और नमस्कार मेरे इस हफ्ते के ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन में, जिसका नाम है धर्मशाला, जो कि दलाई लामा के लिए भी बहुत मशहूर है। तो भाई, हम खड़े हैं लोअर धर्मशाला में इस वक्त, और हमें जाना है मैक्लोडगंज, जहाँ पे मेन दलाई लामा टेम्पल है। तो वहाँ जाने के लिए पिछले साल धर्मशाला में एक रोप वे का इनॉग्रेशन हुआ, जो कि लोअर धर्मशाला को मैक्लोडगंज से कनेक्ट करती है। तो आज हम इसी की यात्रा करेंगे, देखते हैं ये रोप वे कहाँ से पकड़नी है, कितने का टिकट है और क्या सुंदर नज़ारा दिखता है। चलिए, ले चलता हूँ आपको साथ में। सो दोस्तों, अगर आपको रोप वे में जाना है तो सबसे पहले आपको पहुँचना है धर्मशाला के कोटवाली बाज़ार। याद रखिएगा ये नाम, कोटवाली बाज़ार, क्योंकि धर्मशाला पॉइंट से रोपवे की शुरुआत यहीं से होती है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग की व्यवस्था है, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके रोपवे की तरफ जा सकते हैं। मैक्लोडगंज घूम घाम के वापस आके अपनी गाड़ी रिसीव कर सकते हैं। आपके पार्किंग चार्जेस वही हैं जो पर घंटे के हिसाब से होते हैं, और वो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं इधर। तो चलिए आगे देखते हैं रोपवे का क्या प्रोसीजर है, कितने की टिकट है और क्या नज़ारा है। सो भाई, हम रोपवे के टिकट काउंटर की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। आपको सिक्योरिटी क्रॉस करना होगा, और ये हम पहुंच ही गए टिकट काउंटर टिकट लेने के लिए। सो लेट्स गो चेक आउट, क्या कॉस्ट है। मैम, कितने का है टिकट? 1 सेट 425 है, अप एंड डाउन। सो दो लोग का देंगे प्लीज़। सो 650 का टिकट है, राउंड टिकट, अगर आप जाना चाहें ऊपर और नीचे। और वन वे 450 का, राइट? 425। सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। तो अगर आप केबल कार में आ रहे हैं तो कुछ भी आर्टिफिशियल वेपन, एमिनेशन, लिक्विड जेल्स, पेट्स, लाइटर, सिगरेट्स, ये सब अलाउड नहीं है। तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो याद रखिए, ये सब चीज़ें या तो गाड़ी में छोड़ दीजिए, वरना आप अपने घर पे ये सब सामान छोड़ के आइए। थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड में बताऊं तो 2016 में यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया था, और इसका इनॉग्रेशन पिछले साल हुआ है। तो भाई, 4:20 बज गए हैं और हम जा रहे हैं अब रोपवे की तरफ, क्योंकि रोपवे आ चुका है। तो थोड़ा सा आपको बता दूँ मैं, जो पहले नीचे वाले जो फ्लोर्स हैं बेसमेंट में, वो पार्किंग एरिया है। फिर ग्राउंड फ्लोर में आपका टिकट एरिया है, लाउंज एरिया है, जहां वेट करेंगे। और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से आपकी बोर्डिंग होगी। तो अब मैं जहां जा रहा हूं, वो मेरा बोर्डिंग एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा रोपवे। मैं रोपवे के अंदर पहुंच गया हूं, और यहां 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। एंड देखते हैं नज़ारा कैसा मिलता है। तो भाई, ऐसे रोपवे में मैं गया था पहले ओली में, जहां पे इस तरीके के रोपवे में गया था, लेकिन ये रोपवे ओली से ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। और ऑनेस्टली, रोपवे में चढ़ने से डर तो लगता है लेकिन ठीक है। सो इस रोपवे से आपको धौलाधर माउंटेन रेंजेस विद स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी साइट। सो गोइंग फ्रॉम लोअर धर्मशाला टू मैक्लोडगंज, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें यू कैन एक्चुअली सी द ब्यूटी ऑफ द वैली। एंड एज आई सेड, 425 रुपये है एक वे, 650 रुपये है टू वे, और अगर आप यहीं पे रहते हैं तो 3000 का आपको मंथली पास मिलता है, विच इज़ रियली नाइस। अब हम ऑलमोस्ट अपने स्टेशन पहुंच गए हैं, जो कि मैक्लोडगंज में है। तो चलिए आपको बाहर दिखाता हूं कहां है ये स्टेशन एग्जैक्टली मैक्लोडगंज में, और फिर उसके बाद हम चलेंगे वापस जहां हमें अपनी गाड़ी पार्किंग से रिसीव करनी है। हम पहुँच गए हैं मैक्लोडगंज, और यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये एग्जैक्टली दलाई लामा टेम्पल के पास इसका स्टेशन लग रहा है, एक बार चल के वेरीफाई करते हैं। जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये स्टेशन मैक्लोडगंज रोपवे स्टेशन है, जो कि दलाई लामा टेम्पल के जैसे डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ रियली नाइस, वेरी नाइसली डिज़ाइंड। थोड़ा सा आपको शॉट्स दिखाता हूँ। थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं, थोड़ा सा मार्केट देखते हैं, छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं।
और फिर क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 5:30 बजे लास्ट टाइम है रोप वे लेने का, तो उसके पहले पहले हमें स्टेशन वापस पहुंचना है। इसका मतलब हमारे पास हार्डली 30 मिनट है, तो चलिए 30 मिनट में थोड़ा बहुत घूमते हैं। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं मैक्लोडगंज वापस लेके आऊँगा और दिखाऊँगा यहाँ पर मशहूर जगहें कौन कौन सी हैं। तो फ़िलहाल एक छोटा सा राउंड और फिर वापस रोप वे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मार्केट में काफ़ी जंक ज्वेलरी भी मिलती है एंड विच इज़ लाइक चीप एंड नाइस, यूज़ एंड थ्रो। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा ये सब ख़रीदने के लिए, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कैरी नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत जंक ज्वेलरी कभी कभार ख़रीदना कोई नुकसानदेह तो नहीं है। तो इट्स जस्ट चीप एंड नाइस जंक ज्वेलरी जो आपको मैक्लोडगंज मार्केट में मिलेगी, नथिंग सीरियस। लेकिन यहाँ पे जो हैंड वोवन वूलन्स हैं, जो कि टिबेटन रेफ्यूजीज़, टिबेटन कम्युनिटी से लोग बनाते हैं खुद, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मोजे, टोपी, ये सब हैंड वोवन है जो कि टिबेटन कम्युनिटी के लोग यहाँ बनाते हैं, एंड उसको ज़रूर देखिएगा, इट्स नाइस। आपको ऐसी चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी। सो आई एम इन फ्रंट ऑफ अ शॉप वेयर दे मेक देयर ओन हैट्स। यहाँ पे अपने खुद के वुलन हैट्स बनाते हैं एंड इट्स द टिबेटन कम्युनिटी दैट इज डूइंग ऑल दिस। जस्ट टेक अ लुक एट दिस। दीदी आप अपना खुद बनाते हैं गरम कपड़ा? हाँ जी हाँ, मैं खुद बना रहा हूँ। कितने साल से बना रहे हैं? मैं 2 साल से। 2 साल से? आप क्या क्या बनाते हैं? मैं बच्चा का टोपी, सॉक्स, मफलर। मफलर्स एंड क्या यूनिक है आपके मफलर्स में? तो कलर क्या यूनिक है, सब हैंडमेड है ना ये? सब हैंडमेड है। हैंडमेड है, अच्छा है, गरम है। आप टिबेटन कम्युनिटी से? हाँ जी टिबेटन। अच्छा, बहुत सारे लोग टिबेटन कम्युनिटी से हैंड वोवन चीज़ें बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, सब वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं थांगा पेंटिंग्स, जो कि ट्रेडिशनल टिबेटन पेंटिंग्स हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से की जाती है। आपको मैं इसका क्लोजअप दिखाता हूँ। सो भाई हम पहुँच गए हैं मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर में, जहाँ से आपको सारी टैक्सी ऑटो इसी स्क्वायर के आसपास से मिलते हैं। तो दिस इज़ द मेन स्क्वायर ऑफ मैक्लोडगंज मार्केट। अच्छा भाइयों, एक बात और बहुत ही ज़रूरी आपको बताना भूल गया कि ये पूरा एरिया नो स्मोकिंग एरिया है। तो अगर आप किसी भी तरीके से धूम्रपान करते हैं तो कृपया करके यहाँ ना करें, वरना आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो भाई मैक्लोडगंज मार्केट एरिया ये एरिया भी है जहाँ पे आपको सारे मेजर इम्पॉर्टेंट रेस्टोरेंट्स, खाना खाने के लिए मोमोज से लेकर पिज्ज़ा, टिबेटन फूड सब कुछ मिलेगा आपको, सब रेंज में भी मिलेगा आपको। स्ट्रीट फूड भी मिलेगा, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं बीमार कर चुका हूँ यहाँ का स्ट्रीट फूड खा के। मैं आपको रेकमेंड करूँगा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, जैसे यहाँ पे जिमीज़ प्लेस है, वहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, एंड मोमोज़ का तो नाम मत लीजिए। आप किसी भी टिबेटन रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको अच्छे ऑथेंटिक मोमोज ही मिलेंगे। छोटा सा मार्केट है, अगर आप इसको पैदल घूमेंगे तो मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप पूरा मार्केट चप्पा चप्पा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे टैक्सी नहीं चलती मार्केट में, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पार्किंग का इशू है। तो एक बार अगर आप पार्किंग में उतर गए या रोप वे स्टेशन में उतर गए, उसके बाद आपको यहाँ पे पैदल ही चलना बेहतर होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं कोरा व्हील्स, जिसे आप बस हल्का सा टच करके यू मूव इट, एंड इसको ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड ये एक छोटा सा टेंपल है जो कि मैक्लोडगंज स्क्वायर के एकदम बाजू में है। दिस इज़ नॉट द मेन दलाई लामा टेंपल, मेन दलाई लामा टेंपल हम जाएंगे अगले एपिसोड में, इस बार हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें अपनी रोप वे पकड़नी है। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल टेंपल, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स लेते हैं भाई और चलते हैं यहाँ से। ठंड बहुत हो रही है और जैसे ही 5 बजने वाले हैं और सूरज नीचे जा रहा है, मैं ठंडी हवा को महसूस कर सकता हूँ। ये जैकेट जो मैं पहना हूँ, ये 5 बजे के बाद नहीं चलेगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो जाता है मैक्लोडगंज शाम के वक्त। भाई यहाँ कैमराज अलाउड नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं कैमरा को बंद कर देता हूँ, और क्योंकि अंदर एक सेक्रेट मूर्ति है बुद्धा की, तो कैमराज एंड फ्लैशेज आर नॉट अलाउड, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की। तो हम वापस निकलते हैं अब रोप वे की तरफ।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मैक्लॉयडगंज रोपवे स्टेशन में, तो अब चलते हैं वापस। मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है इसलिए मैंने अपना सोनी वाला कैमरा चालू कर दिया है, तो आपको विजुअल्स थोड़े अलग से दिख रहे होंगे। ये काफ़ी बेटर कैमरा है एक्चुअली, मैं इसको यूज़ कम करता हूँ लेकिन अब अगले ब्लॉग से ज़्यादा यूज़ करने लगूँगा। सी हाउ क्लियर दिस इज। तो भाइयों रोपवे में हम प्रस्थान कर चुके हैं मैक्लॉयडगंज रोपवे स्टेशन में, और यहाँ से हम जा रहे हैं लोअर धर्मशाला दैट इज़ कोटवाली बाज़ार। थोड़ा सा आई शो यू अ लिटिल बिट ऑफ अ व्यू, इट्स सनसेट टाइम सो द व्यू इज़ क्वाइट प्रिटी। फ्रेंड्स जो व्यू आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बेसिकली लोअर धर्मशाला का है, जो आप टॉप ऑफ द हिल से देख रहे हैं या आप केबल कार से देख सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू of the entire landscape of Lower Dharamsala. So anyways, this is the last of our journey. आज की शाम यहीं ख़त्म होगी और हम जल्दी ही रैप अप करके घर निकलेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं it's a beautiful sunset, and अगर आप धर्मशाला पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, सनसेट तक आप अपना रास्ता घर के लिए नाप लीजिए, ठंड बहुत हो जाती है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड इफ़ यू एवर विजिट धर्मशाला ड्यूरिंग द विंटर सीजन। So, दोस्तों वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, दैट इज़ कोटवाली मार्केट का रोपवे स्टेशन। सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है, अब बेहतर होगा मेरा घर निकलना, लेकिन मैं धर्मशाला में ही हूँ फ़िलहाल, तो आपको हर हफ्ते कोई ना कोई कंटेंट यहाँ से बना के भेजता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।